एल्विश भाई का मीटअप देखा। ओ अच्छा अच्छा हाँ वो जो पूरा क्राउड। हाँ एल्विश के साथ ब्लॉग बनाओ। यस अभिषेक और आपकी शादी कब होगी? सो हे गाइस, सो जिया शंकर बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर लाइव आए थी और वहां पर दोस्तों उन्होंने जब एल्विश यादव के फैंस के बारे में पता किया, उनको जब एल्विश यादव के फैंस के बारे में पता चला तो वो शॉक हो गई। जी हाँ दोस्तों, जिया शंकर इंस्टाग्राम लाइव पर एल्विश यादव के ऊपर रिएक्शन दिया, उसके ऊपर बात की और अभिषेक के बारे में बहुत सारी बातें की। तो क्या हुआ पूरा लाइव स्ट्रीम पे, चलिए मैं आप लोग को वो लाइव वीडियो दिखाता हूँ। एल्विश भाई का मीटअप देखा। कौन सा मीटअप मतलब? इतने सारे लोग एक साथ आ गए थे। एल्विश के साथ ब्लॉग बनाओ। यस डेफिनेटली जब वो आएंगे बाहर तो हम ज़रूर पहले तो मिलेंगे। बहुत सारी बातें हमें करनी है जो हमें आखिरी दिनों में हम ग्लैड। ओह सॉरी मेरे फ़ोन की बैटरी लो हमेशा की तरह। तो हाँ हमारी बहुत सारी बातें रह गई तो हम ग्लैड की आखिरी दिनों में हमारी बहुत सारी फिर भी बातें हुई एंड मैं उन्हें जान पाई। So for that I'm very very grateful. I'm glad कि ऐसा हुआ एंड हमारी बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी। अगर पहले से हम काश पहले से हमारी दोस्ती हो गई होती तो I'm sure कि हमारी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती। बट कोई जब बाहर आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। पहली बार एल्विश ने बिग बॉस में हग किया किसी को। या दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। वही तो कह रही हूँ कि जाते जाते हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया एंड इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। एल्विश सोचा नहीं था कि ऐसी हमारी शुरुआत होगी और इस तरीके से हमारी बॉन्ड बन जाएगी। या अभिषेक और आपकी शादी कब होगी? कुछ नहीं बोल सकती मैं उस पे। ये सवाल ही कुछ हो जाए पहले तो हम शादी की बात तक पहुंचेंगे। ऐसा कुछ है नहीं और ऐसे सब कमेंट्स मत करो। अभिषेक पांडा ग्रुप को या बाकी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्या अभिषेक की मम्मी को भी शायद पसंद आए तो ऐसी सब बातें मत करो यार। या क्या पता वापस कोई मुझे सांप बोल दे, दोगली बोगली बोल दे यहाँ पे। हो गया अब ये बिग बॉस की भाषा सीख के आए हैं हम भी बाहर। ए सपोले ए सांप, ये सांप है दोगली दोगला। अभी को भूल गए क्या? अभी को कैसे भूलूंगी यार, अभी को बिल्कुल नहीं भूली हूँ मैं। बाहर आके मिलेंगे यार, मतलब फिनाले पे पहले मिल लेंगे, फिर तो वो चला जाएगा दिल्ली। फिर जैसे लोग हमारे बीच जैसे हमको दूर करते रहते थे, मेरे खिलाफ भड़काते थे लोग उसको, तो अगर वो हमें मिलने देंगे तो मिल लेंगे वरना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्राइंग फॉर यू, अभी रोया क्या मेरे लिए? कुछ कुछ रील्स देखे मैंने, देखा कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। आई होप कि अब वो ठीक है क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ लाइव वगैरह, मैंने कुछ देखा नहीं है। आई वाज जस्ट रेस्टिंग और फैमिली टाइम स्पेंड कर रही थी और बहुत सारी बातें हो रही थी घर पे। अब दोस्तों के साथ बाहर निकली हूँ।